निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। अजमेर के लोगों को ये तस्वीर आज देखनी चाहिए कि कैसे अजमेर नगर निगम में बैठे जो अधिकारी हैं, कैसे उन्होंने अजमेर नगर निगम को शर्मसार करके रख दिया है। हम लोग जब कांजी हाउस में गायों की मौत के मामले में जो लोग आज ज्ञापन नगर निगम के अधिकारियों को आए थे उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, इतना गंभीर मसला अजमेर के अंदर है, गाय को पूरा देश माता मानता है, उस मामले पे जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी दौरान जो निगम के जो उपायुक्त हैं, जो इनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, उन्होंने एनडीटीवी इंडिया का कैमरा बंद करने के लिए कह दिया। यानी कि तुगलकी फरमान जिसका कोई आदेश नहीं, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं कि जो मीडिया कर्मी है वो अपना काम निगम परिसर में नहीं कर सकते। आयुक्त खुद बुलाते हैं, जो अशोक कुमार मीणा है आयुक्त प्रशासक हैं, उन्होंने खुद बुलाया, जो ज्ञापन देने लोग आए थे उनके साथ हमको अंदर बुलाया। रिपोर्टिंग जब उस वक्त चल रही थी और उसी दौरान हमारे सहयोगी राजवीर को वो कहते हैं कि आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। तीखी नोकझोंक अंदर चल रही थी, इतनी जबरदस्त तीखी नोकझोंक अंदर चल रही थी जिसमें ऐसा नजर आ रहा था कि हो सकता है जो ज्ञापन देने लोग आए उनको उग्र हो जाए, वो किसी तरीके की हाथापाई अधिकारी के साथ कर सकते हैं। ऐसे समय में जब कैमरे को बंद कराने के लिए कहा गया तो हमारे माध्यम से उसमें आपत्ति दर्ज कराई गई। मैंने खुद वहां पे अधिकारी को ये कहा कि आप ऐसे कैसे इतने गंभीर मसले के ऊपर जब लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं आप क्यों कैमरा बंद कराना चाहते हैं, क्यों इस शहर को जवाब नहीं देना चाहते हैं। लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, वो भी चाहते हैं कि आखिर शहर देखे कितने गंभीर है अजमेर के लोग इस मुद्दे को लेकर, लेकिन इस मामले में आप शर्मनाक हरकत देखिए अधिकारी की। जो आरएस अधिकारी हैं उन्होंने तुरंत प्रभाव से उठकर ये कह दिया कि कैमरे आप तुरंत प्रभाव से बंद कर लीजिए, और उसी पर आपत्ति दर्ज जब हमने कराई हमने कहा कि रिपोर्टिंग करना हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है, हमारा धर्म है ये शहर देखे कि आखिर अधिकारी कर क्या रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं। उस तस्वीरों को दिखाने से उन्होंने मना जब करने की कोशिश की, क्योंकि उन तस्वीरों में अधिकारी किस तरीके से जो ज्ञापन देने लोग जब निगम में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं उनको कैसे सुना जाता है ये वहां पर दिखाई दे रहा था, और वो तस्वीर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, किस तरीके से सलूक किया जा रहा था ये हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, और इसीलिए अधिकारी उस कैमरे को रिकॉर्डिंग नहीं करवाना चाहते थे, पत्रकारिता वहां पर हमको करने नहीं देना चाहते थे। उठ खड़े हुए अशोक कुमार मीणा, सबसे पहले हमारे जो सहयोगी राजवीर कैमरामैन है उनके कैमरे पे हाथ लगाया उन्होंने, उनको बाहर किया, हमको बाहर किया, मेरे सहयोगी मोहित थे उनको बाहर किया, और फिर उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू की, क्योंकि उस हाथापाई में हमने उनको स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये हरकत एक आरएस अधिकारी की शोभा नहीं देता, अजमेर नगर निगम को शर्मनाक किया। और हाथापाई के दौरान जब वहां पे जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि हम इनको मारना पीटने की जब कोशिश वो लोग कर रहे थे, हमारे साथी कर रहे थे, तो साफ तौर पर कैमरे में हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे हम लोगों ने मीडिया कर्मी ने वहां पे गांधीगिरी दिखाई अपनी। 150 भी जनती अशोक गहलोत सरकार मना रही है, कांग्रेस पार्टी मना रही है, लेकिन अधिकारी को देखिए आप, उनको गांधीगिरी की जो पाठ है अहिंसा जो उनको दिखाना चाहिए था यहाँ पर वो उन्होंने दिखाई, हिंसा का रास्ता अपनाया उन्होंने यहाँ पर, और मेरे साथ वहां पर बदसूर की शुरू की, हाथापाई तक शुरू कर दी। ये तस्वीरें जो 4 सेकंड का विजुअल, कुछ और विजुअल जो हमारे जो सहयोगी थे उनसे लेकर हम ये दिखा रहे हैं, और पूरी तस्वीर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है जिसको हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, पूरे शहर को पूरे प्रदेश को ये देखना चाहिए कि राजस्थान में आ रहे अधिकारी अजमेर नगर निगम में जिनकी नियुक्ति है उप आयुक्त प्रशासक बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अशोक कुमार मीणा की ये हरकत इतनी कायराना हरकत है जिसको ये दिखाता है कि वो शहर के लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी तय करना मीडिया का काम है, जब जिम्मेदार अधिकारी अपने कामों को भूल जाते हैं तब मीडिया ही उनकी जिम्मेदारी को दिखाता है, सरकार को आईना दिखाता है, सरकार को बताता है कि उनके अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों को पूरे शहर को पूरे प्रदेश को देखना चाहिए कि एक आरएस अधिकारी किस तरीके से अजमेर नगर निगम को शर्मनाक कर रहा है, अजमेर के साथ पार्षदों को शर्मनाक कर रहा है, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं निगम के उनको शर्मनाक कर रहा है, निगम में बैठे हुए मेयर को शर्मनाक कर रहा है। और इस पर अगर अगले 24 घंटे में ये एनडीटीवी इंडिया ने फिलहाल निगम की कमिश्नर चेन्नई गोपाल को शिकायत भी दी है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई इसके सस्पेंड के लिए भी लिख के दिया है, ज्ञापन हम लोग हमारी ओर से भी दिया गया है, हमने मांग की है, और उसके साथ साथ एनडीटीवी इंडिया मुकदमा भी अशोक कुमार मीणा के खिलाफ दर्ज कराने जा रहा है,
लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, अगले 24 घंटे के अंदर अगर अशोक कुमार मीणा को अजमेर नगर निगम से सस्पेंड नहीं किया गया तो मैं खुद एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसे अधिकारी को जो गैर जिम्मेदार है शहर के लिए, नगर निगम के लिए गैर जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस शहर की आवाम के लिए जवाबदेही नहीं है, जिनकी जिन जो अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें पारदर्शिता नहीं है, आखिर ऐसा क्या डर था जिसके कारण वो कैमरा बंद करना चाहते थे? उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए मैं खुद अगले 24 घंटे बाद चिन्मय मैडम के चैम्बर के बाद अगर सस्पेंड ऑर्डर नहीं होता है तो धरने पर बैठूंगा, जिसमें बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं जो इनके लगातार हमारे पास कॉल आ रहे हैं। समाजसेवी संस्थाओं ने हमको ये कहा है कि अगर इस पूरे मामले में इस अधिकारी को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो वो खुद भी मेरे साथ उस धरने में शामिल होंगे।